अभी हम एक एक सेलर अकाउंट क्रिएट करेंगे और एक बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे यानी एक कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करेंगे और एक सेलर का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो और अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बहुत सिंपल है सिर्फ आपने एक वैलिड ई एड्रेस देना है और अपना पासवर्ड देना है दिस इज इट और फ़ोन नंबर वगैरह आप दें उस कंट्री का जहाँ पर पे आपका पेपाल चलता है दिस इज इट ये एक स्टेप नंबर वन है स्टेप नंबर टू ये है कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद ऑल यू नीड इस कि आपने जो आपकी बैंक की डिटेल है यानी क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ आपने पेपाल अकाउंट से लिंक करनी है दिस इज इट और ये दोनों स्टेप्स कॉमन हैं पर्सनल अकाउंट में भी यानी बायर के अकाउंट में भी uh, के लिए भी और जो बिजनेस अकाउंट है यानी कंपनीज uh, का फॉर एग्जांपल अकाउंट है वेंडर का अकाउंट है ये दोनों स्टेप्स कॉमन है एंड देन वी विल सी के हाउ वी कैन यूज़ This account to transfer amount. So, let टू ट्रांसफर अमाउंट सो personal क्रिएट फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड क्रिएट बिजनेस अकाउंट जस्ट गो टू पेपाल डॉट कॉम लिखें ब्राउजर में वहाँ पे आप साइन अप पर क्लिक करें जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगी कि आप अपना पर्सनल अकाउंट भी बना सकते हैं और ये अकाउंट भी यूज करते हुए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं आ, उसके बाद आप अपना बिजनेस अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप अपने इन्वाइस और जो पेमेंट हैं वो रिसीव भी कर सकते हैं सो so, हम पहले देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट आपने कैसे क्रिएट करना है नेक्स्ट पे क्लिक करें इट इज़ जस्ट सिंपल रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है यहाँ पे आप नाम लिखें लेट सपोज मैं अपना नाम लिखता हूँ कोई वैलिड ई एड्रेस दे दें यहाँ पर कोशिश ये कीजिएगा बल्कि वही ई एड्रेस दीजिएगा जो आपने पहले पेपाल में यूज़ नहीं किया हुआ वरना ये आपको एरर जनरेट कर देगा और ये आपका ई के थ्रू ही सारी ट्रांजेक्शन होनी है तो इसको याद रखिएगा तो उसके बाद आप अपना पासवर्ड देंगे उसके बाद आप इसको अनेबल कर दें कि आपको लॉग इन फॉर फास्टर चेकआउट नेक्स्ट पे आए अगर ये ई मेल एड्रेस आपका पहले कहीं यूज़ नहीं हो रहा होगा तो आपको इस पेज पे ले आएगा अच्छा अब ये वो पेज है जहाँ पे आपको अगर आप ज़रा देखें तो यहाँ पे आपके पास स्टेट के अंदर मतलब यहाँ पे यू कैन नॉट एंटर एड्रेस ऑफ पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान अभी जो है आपके पास अनेबल नहीं है यानी यू डोंट हैव एक्सेस टू पाकिस्तान यानी ये पाकिस्तान में पेपाल की सर्विस मौजूद नहीं है तो आप इसलिए आपको स्टेट इस में और इवन आपके पास पाकिस्तान की स्टेट्स नहीं आ रही होंगी ये आपके पास वही स्टेट्स आ रही हैं आपके पास देखें अभी यू की एक्चुअली स्टेट्स दिखा रहा है सॉरी तो आपको यहाँ पे कोई एक ऐसा एड्रेस ऐड add करना पड़ेगा जो यू में एग्जिस्ट करे और जो फ़ोन नंबर है वो आपको कोई यू का वैलिड फ़ोन नंबर देना पड़ेगा अदरवाइज मोबाइल नंबर अदरवाइज इट विल नॉट हेल्प यू या ये आपको आपका अकाउंट क्रिएट करने में आपको यहाँ पे ये यह, आपको ब्लॉक कर देगा सो so, ये दो स्टेप्स हैं द मोमेंट यू आर डन विद दिस इंफॉर्मेशन सिंपल क्लिक करें दिस इज स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू वुड बी कि आपने जब ये अकाउंट क्रिएट कर लिया यू नीड टू डू द लॉगिन नाउ स्टूडेंट्स जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे जैसे मैंने आपको शो किया अभी उसके बाद जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास अब आपने लॉग इन करने के बाद एक सिक्योरिटी चैलेंज आएगा जहाँ पे आपको ये बताना है कि यू आर नॉट अ रोबोट यू आर ह्यूमन बींग इसको सिर्फ आप फिल आउट करें उसके बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट स्क्रीन है जहाँ यू कैन लिंक योर बैंक अकाउंट और लिंक योर डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप किन पेमेंट मेथड के जरिए यानी वो कौन से पेमेंट मेथड हैं जो आप पेपाल से अटैच करना चाहते हैं अभी हम पर्सनल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो आप अपना कोई वैलिड बैंक अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं और आप अपना वैलिड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड भी अटैच कर सकते हैं विद द पेपाल ईमेल एड्रेस तो जैसे ही आप पेमेंट के लिए अपना पेपाल का ईमेल एड्रेस देंगे तो एक्चुअली आपके पास वो सारी ऑप्शंस आ जाएंगी यानी वो बैंक अकाउंट भी आ जाएगा अगर वो अटैच होगा वो डेबिट कार्ड भी आ जाएगा और वो क्रेडिट कार्ड भी आ जाएगा जो आपके पेपाल अकाउंट से अटैच होगा एंड देन यू कैन डू द नॉर्मल चेकआउट जैसे आप लोग करते हैं तो ये हमने अकाउंट क्रिएट करके देखा है हम लोगों ने उसके ऊपर जो हमारा पर्सनल था अब द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम लोग एक कंपनी अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं उसी हम पेपाल की पे की वेबसाइट पर जाते हैं मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ पे डॉट कॉम उसके बाद मैं साइनअप पे गया साइनअप पे जाने के बाद अब मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ बिजनेस अकाउंट की जैसे ही मैंने बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट किया अब आप देखें वो मुझसे ये पूछ रहा है कि जो स्टैंडर्ड तरीका है पेमेंट का जिसपे मंथली फीस ज़ीरो है वो यूज़ करना है एक्सप्रेस चेकआउट यूज़ करना है मैं फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड मेथड पे जाता हूँ उसको सेलेक्ट करता हूँ जब मैं उसको सिलेक्ट करूंगा तो अब आप देखिएगा ये स्क्रीन मोर लेस वही है तो मैं यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दूँगा जिससे मैं रजिस्टर करूँगा उसके बाद मैं उस ई एड्रेस के अगेंस्ट को कोई पासवर्ड दूँगा और उस पासवर्ड को यूज़ करते हुए अब यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का नाम बताना है मैं सपोज रिव्यू लिख देता हूँ हेड ऑफिस आप अपने बिजनेस का नाम लिखेंगे जो भी आपकी कंपनी का नाम है डिटेल्स आप यहाँ पे लिख दें फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर लिखें अब कोशिश ये करेंगे आप फ़ोन नंबर वो दें जो आपका उस कंट्री का हो जहाँ पे आपका चल जहाँ पे जहाँ पे पेपाल एक्सेसबल है तो मैंने सपोज एक यूएन नंबर दे दिया और एड्रेस में लट सपोज मैंने लिख दिया वर्जीनिया लिख दिया और सिटी में भी वर्जीनिया लिख दिया मैंने और सिलेक्ट यहाँ से जो स्टेट है वो भी मैं वर्जिनिया ही कर लेता हूँ ताकि हम एक काउंट क्रिएट कर सकें जिप कोड मैंने रखा हुआ था अपने पास एक टू थ्री फोर सिक्स टू अब उस हमें अगेन आप उस कंट्री का ऐड करेंगे जहाँ पे पेपाल अनेबल है तो उसके बाद आप क्रिएट एंड एग्रीड अकाउंट करें तो अब आप देखें ये अभी बेसिकली क्रिएट हो गया है अभी आपसे आपकी बिज़नेस की डिटेल्स पूछ रहा है अभी डिपेंड करेगा आपके आपके बिज़नेस के टाइप के ऊपर कि इंडिविजुअल है कि सोल प्रोपारेटरशिप है या पार्टनरशिप है या कॉपरेशन है जो भी आपके वैलिड ऑप्शन है लेट सपोज मैं यहाँ पे इंडिविजुअल और सोल प्रोपरेटरशिप करता हूँ तो वो बिज़नेस कैटेगरी पूछेगा लेट सपोज आप और जो भी आपकी बिजनेस कैटेगरी है आप क्लोजिंग कर दें फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लोजिंग की है फिर आप सब कैटेगरी करें फिर आप करें जी मेंथ क्लोदिंग या गेन, डिपेंड करेगा आपके अपने बिजनेस के ऊपर मंथली सेल्स आप देख लें एंड बिजनेस यू आर एल इफ एप्लीकेबल अभी अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट का यू आर एल दे दें नहीं है तो लीव इट क्योंकि ये ऑप्शनल है फिर आप कंटिन्यू करेंगे द मोमेंट यू विल कंटिन्यू टू टूल डू सम प्रोसेसिंग एंड आपको यहाँ पर अपना सारा अभी आपको आपको फिल आउट करना है एस एस एन फिल आउट करना है डेट ऑफ बर्थ अपनी फिलआउट करनी है होम एड्रेस फिल आउट करना है एंड सो ऑन मैंने क्योंकि ये चीज़ पहले ऑलरेडी की हुई है सो लेट मी जस्ट ट्राई टू लॉग इन मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ और लॉग इन मैं उसी अकाउंट से करता हूँ जो मेरा ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे मुझे वो पासवर्ड पूछ रहा है अब आप देखें जब मैं लॉग इन होंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा उसके बाद आपने सिंपल आपने आ, आपके पास ऑप्शन आ रही है मनी की आ रही है समरी की आ रही है अब आप फॉर एग्जांपल मनी में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं सेंड और रिक्वेस्ट कर सकते हैं मर्चेंट फीस है फॉर एग्जांपल आपने पैसे रिक्वेस्ट करने हैं या आपने पैसे सेंड करने हैं तो मैंने अब आप ये देखें जब आपने पैसे सेंड करने हैं तो यू कैन पे फॉर गुड्स सेंड टू फैमिली जब आप पैसे रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट फ्रॉम कस्टमर लेट्स सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझसे वो डिटेल पूछेगा उसके अलावा आप फॉर एग्जांपल आप, आप टूल में जाते हैं आप लेट्स सपोज आई वांट टू शो यू दिस थिंग के अब ये सारी की सारी ऑप्शंस आपके पास हैं जिसमें आप देखें अब आपके पास पे पाल डेबिट कार्ड भी आ रहा है पे पाल क्रेडिट कार्ड भी आ रहा है टैक्स कैलकुलेटर भी आ रहा है सारा तो दिस इज हाउ यू कैन सेंड और रिसीव फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफर अकाउंट पे जाता हूँ और मैं मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करनी है अमाउंट तो ये मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है लिंक का बैंक अब ये दिस इज हाउ आई कैन ट्रांसफ़र द अमाउंट अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस अकाउंट के साथ अपने क्रेडिट कार्ड भी ऐड कर सकता हूँ लिंक का न्यू कार्ड का और लिंक का न्यू बैंक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर अभी देखें अब जैसे ही आप यहाँ पर वैलिड क्रेडिट कार्ड देंगे यानी क्रेडिट कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट सिक्योरिटी कोड और बिजनेस एड्रेस सो दिस इज़ वन टाइम एलोकेशन ऑफ योर क्रेडिट कार्ड विद योर पे पॉल दिस इज़ हाउ यू कैन एड अ क्रेडिट कार्ड एंड और अगर आपने कोई बैंक किसके साथ अटैच करना है आप बैंक पर आएंगे लिंक न्यू बैंक पर आएंगे एंड देन दिस सॉट ऑफ पॉप अप विल कम अप आप अपना बैंक यहाँ से आप चूज करेंगे जो भी बैंक है आपका और उसके बाद आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देंगे राउटिंग इन्फॉर्मेशन देंगे अकाउंट नंबर देंगे दिस इज इट सो दिस इज द वे हाउ यू कैन क्रिएट योर बैंक अकाउंट हाउ यू कैन क्रिएट योर पेपल अकाउंट इन पर्सनल एंड बिजनेस एंड देन हाउ यू कैन लिंक योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड बैंक इंफॉर्मेशन